2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक बार एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? बताइए आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा चोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीरम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद रिटार्गेटिंग, भाजपा सांसद श्री कपिल गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। शुरू में कहा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए जो रिकॉर्ड में चले जाए और बाद में गलत क्या है। मैं वही तो कह रहा हूं, जो चीजें अगर कोई किसी ने कह दिया, किसी ने लेख लिख दिया तो सच्चे है क्या? उसके बाद में अधिकारियों ने क्या अस्तित्वकरण दिया, क्लेरिफिकेशन क्या दिया? बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट जितने भी आए हैं ये सही नहीं है, इस तरह से कोई हमारा जमीन नहीं गया। जब आर्मी बोल दिया, आप उससे पहले कोई जो कोर्ट कर रहे हैं कुछ बोले उसको आप कोर्ट किए जा रहे हैं, जब एजेंसी बता रहे हैं। अधीर जी, इस तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा है इस सदन में, ये सब जिसका कोई तर्क नहीं है। ऐसा बात मत, आप जब कहेंगे इनसेंसिटिव है यही है ना बात। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता। 2022 मैं बताता हूँ, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत भूटान और चीन में भी ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं, सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे, मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं कहता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कंचुक चेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था, क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चरागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है और नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयं क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भीड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल की वीरता से सफल पूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की दृढ़ता, हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप बताइए खुलकर क्यों नहीं सदन में चर्चा हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना,
जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो। जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगे। ये हिम्मत अब क्यों नहीं दिखा सकते हमारे पीएम साहब? पीएम मोदी के बाद पीएम मोदी ने 2014 के बाद से 18 बार चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और हमारे बीच सैन्य स्तर की वार्ता की दौड़ 17 बार हो चुके हैं। गलवान के बाद से चीनी आयात हिंदुस्तान में 45% का वृद्धि हुई या नहीं, आप बताओ। गलवान में हमारे 20 जवान अपने आहुति दे चुके, प्राण का आहुति देने के बाद चीनी के साथ हमारे ये कारोबार में इतना बढ़ोतरी कैसे आ रहा है कि 45% वृद्धि होते हैं? चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया और अब सही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया और 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी निदेशक है। आप बताइए ये छोटे छोटे हमारे प्रश्न है। मुसलमानों को क्यों इस तरीके की नफरत की निगाहों से देखा जाते हैं? मैं ये जरूर सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर अगर खुशवंत सिंह जी, हमारे देश के एक जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह जी, उनका कहना है इंडियन फ्रीडम इज रिटन इन मुस्लिम ब्लड सिंस देयर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज मच मोर इन प्रोपोर्शन टू देयर स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम सही बताओगे, आप कहेंगे कि हम मुसलमानों को चापलूसी करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इतिहास की गवाह देना चाहते हैं, आप इतिहास को विरूपण करते हैं, इतिहास को छेड़छाड़ करते हैं, आप हमारे स्थिति लोप करने की हर संभव प्रयास करते हैं, एक एमनेशिया तैयार करना चाहते हैं, हाँ को ना को हाँ करना चाहते हैं, नई हिंदुस्तान की बात करते हैं। नई हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है वो है हमारा अधिकार। हिंदुस्तान में सबसे जोखिम हालत में है हमारा अधिकार। ये हमारे अधिकार को छीन लिया जाते हैं, हमें कर्तव्य सिखाए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के पहले हमारा अधिकार क्या है ये तो बता दीजिए। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं। ये मीडिया हमारे फोर्थ पिलर होते हैं, मीडिया वालों को घुसने नहीं दिया जाता। क्यों आप मीडिया को डरते हैं? क्यों हमारे न्यायालय पे दबाव बनाते हैं? न्यायालय के खिलाफ कभी कानून मंत्री, कभी हमारे उपराष्ट्रपति जिस तरीके से बयान देते हैं, ये हमारी देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा पहुंचाते हैं। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म है। ओके, हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर धन्यवाद राइट्स है। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इसमें खतरा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। 20 मिनट हो गए। नहीं रखूंगा सर, आज मैं ताजुब लगता है सर, देखिए मैं खुले आम कहता हूँ अदानी जी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में और तरक्की हो और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो। हमारे इस सिस्टम पे तर्क है। थैंक यू। सिस्टम के खिलाफ हमारा इल्जाम। दिलीप सेकिया जी रविंद्रनाथ टैगोर की और किसी के लिए रविंद्रनाथ जी को सिखाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ बोल दो। मैं सर बांग्ला में कहूंगा इंग्लिश तर्जुमा भी करने का मौका दीजिए। बांग्ला में पढ़ूंगा इंग्लिश तर्जुमा करने का। बंगाला भाई ट्रांसमिट हो।
पूर्ण तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে কেহ নাই জানে কার আহ্বানে কেহ নাই জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা দূরবাসতে এলোকতা হতে সমুদ্রে হলো হেতাই আর্য হেতা অনার্য হেতাই দাবির চীন শাহ খুন্দার মোগল পাঠান এক দেহ পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার সেটা হতে আছে কত উপহার দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে স্যার স্যার মানে তর্জমা কর রহা হুঁ স্যার তর্জমা শুন লিজিয়ে মাই হার্ট অ্যাওয়েক ইন দিস হোলি ল্যান্ড অফ ইন্ডিয়া ইট ইজ এ প্লেস অফ পিলগ্রিমেজ ফর নেশনস টু মিঙ্গল ইন এ কনফ্লুয়েন্স অফ হিউম্যানিটি নোবডি নোজ হু আর দেম ইয়েট দে কেম ফ্রম ডিফারেন্ট ল্যান্ডস অ্যান্ড মার্চ ইন এ সিঙ্গল বডি দি আরিয়ানস দি নন আরিয়ানস দি দ্রাবিড়িয়ানস দ্য চাইনিজ দ্য স্কাইদিয়ানস দ্য হানস দ্য পাঠানস অ্যান্ড মুঘলস All of them, like so many separate streams flowing irresistibly to loss at the end of their journeys, their individual identities in one vast sea. Now the West has opened its gate. All are collecting its prize gifts, and the same irreversible process of mutual exchange and assimilation is taking place once again in that holy. Conference of Humanity. So, हमारा देश चार वेद सर चार वेद 18 उपनिषद दो महाकाव्यों की देश है हमारा देश शंकराचार्य की है।